एक मिनट रामी बेन। अरे अरु सुन तो, क्या हुआ भाभी? वो तीन गर्भवती औरतें, उतना ही पेट था। मैंने देखने की कोशिश की कि वही है या कोई और, पर वो ट्रक में बैठ के चली गई। मैंने भेजा, आपने बोला था ना भाभी कि वो गर्भवती औरतें हैं तो काम कम करवाओ, तो मैंने सोचा काम करवाते ही नहीं है, उन्हें आराम करने देते हैं। बेचारी घर जाना चाहती थी, ट्रक भी घर की ओर जा रहा था, तो मैंने भेज दिया। सही किया ना मैंने भाभी? ये तीनों वो नहीं है जो पहले देखी थी। कितनी औरतें पेट से हैं इस फैक्ट्री में। अब घर जाने के समय ये ड्राइवर कहाँ गायब हो गया? दफोड़। जय श्री कृष्ण रामी बेन। जय श्री कृष्ण रामी बेन। उन्होंने गोपी बेन को घायल किया था। मैंने पहले ही बोला था उस रास्ते से मत आना, वो पुराने कारखाने के पास घूमता रहता है। अब यहाँ तक पहुँच गया वो, अब हम काम पे कैसे जाएंगे? अरे कुछ नहीं होगा, मैंने कहा ना कोई भूत या चुड़ैल नहीं होता है। अरे शू बात करे चेरू, मैंने उसे अपनी आँखों से देखा। आइए घर चलते ना, मैं कुछ नहीं हो रहा है। आइए आप लोग भी बैठ जाइए जीप में। ये थी वो जगह जहाँ उसने हमला किया था। पता करना पड़ेगा यहाँ हो क्या रहा है, आखिर ये बहरूपिया है कौन? मुखी जी आपको? अब ये दुखी मुखी कहाँ गए? कहीं मुखी जी ने ये सब किसी लड़की के लिए तो नहीं किया? वैसे मुखी जी ने काम तो एकदम फिल्मी किया है, एक समय में मुझे भी ये सब अच्छा लगता था। चना चूर करो। ये मैंने अपने हाथों से बनाया। अरे ले ले। जो ये भेलपुरी, सेवपुरी, चनाचोर गरम, लस्सी, ये सब मैंने अपने हाथों से बनाया। अरे तू खड़ी क्यों है? बैठ। अरुंधति नानावटी अपने दिमाग का इलाज करा, तुझे फिर दुखी मुखी हीरो की तरह दिखाई दिया। पिछली बार सलमान खान
इस बार आमिर खान? ये सब क्या है मुखी जी? तूने तो कहा था कि थैंक यू बोल के नहीं करके दिखाते हैं। तूने अपने तरीके से थैंक यू किया, मुझे दुलारी पे बाहर ले गई घुमाने ड्राइव पे, तो ये मेरे तरफ से खूब खूब आभार। थैंक यू। बाय मां, मैं फैक्ट्री जा रही हूँ। अरे रुक 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 रुक, किटली घाई ये ले, डब्बा तो लेके जा। अरे वाह क्या खुशबू है, आज क्या खास बना है? वाह 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 वाह, शुभ बात छे, यही दिन देखना बाकी था। ननद अपने घर से आके यहाँ पे खाना बनाए, अने घर की वहू ये पूछे कि आज खाने में नया क्या बनाया। घर पे भी थोड़ा काम कर लिया कर। रामी बेन रहने दो ना, शू बोलो छो। केम केम नथी कर सकती, मैं घर में काम करती हूँ, तू ससुराल का काम करती है, फिर यहाँ का काम संभालती है, अने ये फैक्ट्री में काम करती है ना? पत्थर नथी तोड़ती ने, फैक्ट्री के काम की निगरानी करती है। वो तो मैं भी करती हूँ बीच बीच में जाके, नौकरी करने की जिद तो अरु की थी जो राजा ने मान ली। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम इसके नौकर बन गए। अरे रामी बहन आप ऐसे क्यों बोल रही है, मैं आपको नौकर क्यों बनाना चाहूंगी, आप बताइए क्या काम है, वो करके मैं फैक्ट्री जाऊंगी। बाहर मसाले सुखाने के लिए रखे, जाके समेट के ला, अने अलग अलग करके बर्नियों में भर के अने किचन में ऊपर रख दे। अरे ये तो मैं 10 मिनट में कर लूंगी। अरे अरु 10 मिनट नहीं अरु, कम से कम 1 घंटा लगेगा तुझे ये सब करने में।